हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और गार्डनिंग में एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि रेनी सीजन जो चल रहा है, सभी लोग अपने घर में प्लांट्स लगा रहे होंगे, कटिंग से ग्रो कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा समय है। इस समय कटिंग से लगाए हुए प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे, तो समय वेस्ट ना करें और अपने प्लांट्स को लगाते जाएं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों को एक समस्या आती है कि उनके पास या तो सॉइल नहीं होती या फिर जगह की कमी होती है, तो इस वजह से वो प्लांट नहीं लगा पा रहे होंगे। तो उनके लिए एक दूसरा आइडिया देने जा रही हूँ कि आप अपने शौक को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो है कि प्लांट को यदि हम सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते तो फिर पानी में क्यों ना ग्रो किए जाएं। पानी में भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। मैंने तो बहुत सारे प्लांट्स किए हुए हैं और हम काफ़ी सारे प्लांट्स को वाटर में ग्रो कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि हफ्ते के अंदर 8-10 दिन के अंदर आपको उनका पानी चेंज करना होगा, लीफ को साफ़ करना होगा, और यदि कुछ फंगस वगैरह जम जाती है, जिसको कि काई बोलते हैं, उसको क्लीन करना होगा। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स पानी में भी ग्रो किए हुए हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मनी प्लांट एक अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन मेरे सारे मनी प्लांट्स नीचे रखे हुए हैं, तो वो वीडियो मनी प्लांट की मैं फिर से शेयर करूँगी आपके साथ फिर कभी। तो आज जो मैं शेयर कर रही हूँ वो है स्पाइडर प्लांट और जेट प्लांट। इसके अलावा आप पानी में स्नेक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, एग्लोनीमा को ग्रो कर सकते हैं, और जेट प्लांट हो गया, और मनी प्लांट तो है ही, मैंने आपको पहले ही बताया स्पाइडर प्लांट है। एग्लोनीमा की कितनी सारी वेराइटीज़ होती हैं, उन सबको पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने पानी में स्पाइडर प्लांट को ग्रो किया था, तो आपको मैं रूट दिखा रही हूँ कि बेबी प्लांट को इस तरीके से हमने एक बोतल में रख दिया है और हमें किस तरीके से रूट्स इसकी दिखाई दे रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको रूट्स नज़र आ रही होंगी। ये देखिए, रूट्स डेवलपमेंट इसमें हो रहा है। और इसको यदि आप पानी में ही रहना देना चाहते हैं तो 8 से 10 दिन में पानी बदलें, अदरवाइज़ मैं कुछ दिनों बाद इसको अपने गमले में शिफ्ट करूँगी, तो पूरे चांस होते हैं गमले में ग्रो हो जाता है। कई बार डायरेक्ट हम लगाते हैं बेबी प्लांट को तो वो ग्रो नहीं होता है, सर्वाइव नहीं करता है। तो यदि आप इस तरीके से लगाएंगे तो अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो इस तरीके से मैंने 3 जगह ये लगाया हुआ है और तीनों ही जगह इसमें रूट डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें भी आपको रूट डेवलपमेंट दिख रहा होगा। मैं बाहर निकाल कर भी आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया कि इसका रूट डेवलपमेंट है ये, और अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको तीसरे प्लांट में दिखाती हूँ, तो यहाँ भी देखिए इसका रूट डेवलपमेंट इसमें चल रहा है और रूट्स इसमें अच्छी सारी डेवलप हो गई हैं। तो ये तो दोस्तों स्पाइडर प्लांट है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ जेट प्लांट। जेट प्लांट में भी अच्छी रूट डेवलप हो जाती हैं। तो जेट प्लांट में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसमें आपको देखिए रूट नज़र आ रही होंगी। ये जेट प्लांट है जिसमें अच्छी खासी रूट नज़र आ रही हैं। तो इसको जब आप अब मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और यदि आप चाहते हैं कि बोतल में ही पानी में ही रहे, तब आपको इसका पानी हर 8 से 10 दिन में चेंज करना होगा। और ज़रूरी नहीं है कि सारी कटिंग लग जाती हैं, तो इसी के साथ मैंने इसमें भी लगाया था, लेकिन इसमें रूट डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसमें अभी होना बाकी है। और एक छोटे से ग्लास में मैंने इसको लगा दिया है, तो यहाँ भी इसका देखिए रूट डेवलपमेंट चल रहा है और रूट डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। इसमें कुछ फंगस आदि लग गई है तो उसको मैं क्लीन कर दूंगी। इसमें ग्रीन कलर की आपको फंगस नज़र आ रही होगी तो उसको मैं ब्रश से साफ़ कर दूंगी। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनको पानी में ग्रो कर सकते हैं। और मनी प्लांट तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, मेरे सब मनी प्लांट नीचे रखे हुए हैं। तो
तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो आज मैंने आपको स्पाइडर प्लांट और जेट प्लांट को दिखाया कि किस तरीके से हम इनको पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो आप भी यदि चाहते हैं कि सॉइल नहीं है तो पानी में ग्रो करिए और जगह जगह आप उनको रख सकते हैं। इसमें कोई धूप की भी आवश्यकता नहीं होती है, आप नीचे अपने रूम में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, ऑफिस टेबल पर रख सकते हैं या स्टडी टेबल पर, कहीं भी रख सकते हैं। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए और पानी में ग्रो प्लांट करने की देरी नहीं करें और जल्दी से उनको लगा लें और अपने घर को डेकोरेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।